मेरा नाम ज्योति चौधरी है, मैं अलीगढ़ से आई हूँ। हम लोग बी एड टी ई टी 2011 में हमने टी ई टी पास किया था। अच्छा। हाँ, और यूपी में क्या ये मतलब हर जगह टी ई टी जो है यही योग्यता होती है एक योग्य शिक्षक के लिए, वो हम पास कर चुके हैं। कोर्ट में मैटर चला गया किसी वजह से, और कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो हमारे पक्ष में दिया, और उन्होंने ये कहा कि अब गवर्नमेंट को लिबर्टी है, स्वतंत्र है, वो इनकी नियुक्ति कर सकती है। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर देने के बावजूद भी ये सरकार नियुक्ति के नाम पे आश्वासन देती आई है अब तक। पहले तो ये लोग हमारे धरने में आके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बैठा करते थे, ठीक है ना, है ना। हाँ, तो इन्होंने जो तीनों ही उप मुख्यमंत्री और योगी जी हैं, उन्होंने खुले मन से वादे भी किए थे, संसद में भी हमारा मुद्दा उठाया था जब ये सत्ता में नहीं थे, और आने के बाद भी अभी तक भी इन्होंने ये कहा था कि हाँ, हम मानते हैं कि आप योग्य हैं, 200% आपको नियुक्ति दे देंगे, थोड़े दिन का वेट कर लीजिए। 45 दिन का टाइम दे दिया, कमेटी भी बन गई लाइव, उसको मतलब ये भी बता दिया कि हाँ, हम लोगों ने इनके लिए कमेटी भी बना दी, उसके लिए अध्यक्ष वगैरह थे, बेसिक शिक्षा सचिव, वो नियुक्त भी कर दिए कि अब इनका बस थोड़े दिन में हम समाधान निकाल देंगे, न्यूज़पेपर में भी आ गई। लेकिन अब जब हम मिलने गए तो लास्ट में अब आके इन्होंने ये कह दिया कि अब हम आपके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं आपकी, आपके लिए हमारे पास कोई वो ऑप्शन नहीं है। आप ही बताइए, 7 साल हो गए हैं, 11 से 18 हमारे ज़्यादातर भाई बहन ओवर एज हो चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। बाकी और लोगों के पास चांस भी हैं, बीटीसी वालों का, सबके पास, लेकिन हम लोगों के पास तो आगे कोई चांस भी नहीं है। कैसे कैसे करके कम से कम 50 बार धरना दे चुके हैं, लखनऊ में चलता था हमारा वैसे तो अब तक, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने सुनवाई नहीं करी। जाते भी हैं, अगर हम रैली भी निकालते हैं तो हमारे ऊपर लाठियाँ चला दी जाती हैं। मेरे भी लगी थी उस धरने में लाठी। हाँ, मैं भी थी, मेरे लगी थी, लेकिन ये थोड़ा सा निशान है तब, वो तो अब तो नहीं है, मेरे भी लगी थी, मेरी जैसी कई बहनों की लगी थी, और उसके तो लगी थी, 4 महीने प्रेग्नेंट थी वो लड़की जो है, आपने देखा होगा। तो ये है, ये सब वहाँ की वो है। फिर वहाँ परमिशन भी ख़त्म कर दी, मतलब हम लोग अपने अधिकार के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, बिल्कुल परमिशन ख़त्म कर दी। इनफैक्ट बीएड मतलब यही था कि आप बस ये आप, हाँ, घर जाके क्या हम रोड पे निकल के मतलब जनता तक हम ये ना पहुंच पाए कि ये सरकार कर क्या रही है। इसलिए बस हमें गेट की, या तो गेट के अंदर इको गार्डन में कैद बैठे रहें, या हम थोड़ा सा मार्च भी करें तो बस लाठी चार्ज करके इनको। इनफैक्ट बीएड टेट वालों को तो लखनऊ में हम कोने पे भी कहीं खड़े होते थे ना, तो गाड़ियां घूम रही थी कि इनको भगा दो यहां से कैसे भी करके। इको गार्डन में इतनी पुलिस थी कि बिल्कुल पूरा छावनी बन गया था वो। तो योगी जी से तो जितनी उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई। फिर हमने सोचा कि केंद्र यहाँ पे दिल्ली में आ जाए, मोदी जी के 2014 से पहले कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, हाँ, दिया जाएगा, बिल्कुल, है ना, बहुत बड़ा सपना दिखाया था जनता को, लेकिन आज 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी, सब खोखले वादे हैं, कुछ नहीं है। चुनाव से पहले जो जुमलेबाजी करते हैं वही है, बाद में जाके जब इनको लगता है कि वोट मिल गए, अब हम जीत गए हैं, उसके बाद ये कि बेरोज मतलब हम लोगों को, कुछ जनता को भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं है। हम इसी आस से आए हैं कि मोदी जी तक हमारी बात पहुंचेगी, हमें बस थोड़ी सी उम्मीद है कि हम लोग जितने भी BITET 2011 पास हैं, लगभग 70-80 हज़ार या जितने भी हैं, तो हम लोगों को रोज़गार देंगे, वो नहीं देंगे तो हम लोग हैं लगभग 1 लाख, और प्लस हमारे परिवार वाले हैं, प्लस कुछ रिश्तेदार भी हमारे कहने से हो जाते हैं, कम से कम 30-40 वोट तो हम ले ही डूबेंगे इनके, ले ही डूबेंगे। फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, कब तक चलेगा, फर्क पड़ेगा इन लोगों को, हम दिखा देंगे 2019 में, बिल्कुल दिखा देंगे, इसका जवाब देंगे, या तो ये हमें नियुक्ति दे देंगे जिसके लिए हम योग्य हैं। ऐसा नहीं है अयोग्यों को दे दिया, उनके लिए सोचा जा रहा है, अयोग्यों से समझते ही हैं आप, उनके लिए शिक्षा मित्रों के लिए सोचा जा रहा है, उनका मानदेय बढ़ाने का सोच रहे हैं, वो वोट तब भी नहीं देंगे। हम लोग ही इन्हें लाए थे, हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था इनको लाने में, हमने सोचा था कि हम लोगों को शायद दो दो गवर्नमेंट का झेल चुके हैं, इस सरकार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये तो थूक के चाटने वाली सरकार निकली है।